हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं साइंस के 10th सीरीज़ देखेंगे। यहाँ पे हम 250 क्वेश्चन, में बता दूँ कि हम देख चुके हैं 9th सीरीज़ तक में। ये सारे 250 क्वेश्चन जो है वो NCERT की बुक से है, अथराइज्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल के हैं, जो आपके एग्जाम के लेवल का है वो उसी लेवल से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ भी चुके हैं एग्जाम में, और आज हम इसके आगे यानी कि 251 से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, ज्वालामुखी फटने पर कौन सा प्रकृति चक्र प्रभावित होता है? फॉस्फोरस चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र या सल्फर चक्र? आपको फटाफट से आंसर गेस करते चलना है और अपने मार्क्स जो है वो काउंट डाउन करते चलना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फोरस चक्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबे ताप परिसर को सहन कर लेने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? प्रटतापी, दीर्घतापी, तानुतापी, सॉरी पाती, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ तापी होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रटतापी। ठीक है, यूरीथर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विटामिन या विटामिनें जल में घुलनशील हैं? विटामिन टू कैटेगरी होती है ना, एक जल में जो घुलनशील होती है, एक वसा में जो घुलनशील होती है। तो जल में घुलनशील होती है आपकी विटामिन बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, विटामिन के से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है? तो पहले सारे कथन को केयरफुली रीड करना है। विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा होता है, विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, मानव शरीर को विटामिनों की प्राप्ति विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से होती है। कथन बी और सी, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सही सी, ये जो है वो दोनों सही है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद कवक के कारण होती है? फफूंद या कवक के कारण होती है, दमा, एथलीट फुट, खोज सॉरी खाज, या उपरोक्त सभी? फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग भी आए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी जांच एड्स रोग से संबंधित है? एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट, CD4 काउंट, उपर्युक्त सभी। एड्स रोग से संबंधित है आपके उपर्युक्त सभी, यानी तीनों ही जांच एड्स रोग से संबंधित है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? पुरुष में स्त्रियों के समान स्तन विकसित हो जाता है, पुरुषों के वृषण अल्प विकसित रह जाते हैं, पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, या उपर्युक्त सभी? तो ये जो एक बीमारी है, एक सिंड्रोम है एक्चुअली, तो इसमें क्या होता है, ये उपर्युक्त सभी, ये सारी ही लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोहराई जाने वाली इकाइयों या बिल्डिंग ब्लॉक को जिसमें से पॉलीमर का निर्माण होता है का नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। पॉलीमर मैंने अभी आपको ही दो दिन पहले ही पढ़ाया थ्योरी। मैं बता दूं जो लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, कि थ्योरी भी सारे चैप्टर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज मैंने पढ़ाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, सब में अलग अलग चैप्टर्स अवेलेबल है। मॉक टेस्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ अवेलेबल है। तो देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। बेरी बेरी विटामिन B1, पेलेग्रा विटामिन B5, नपुंसकता विटामिन ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, सब कुछ सुमेलित है। ठीक है, ऐसा नहीं है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? ये बात हम तो पढ़ के जानते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बात किसने बताई थी? रोनाल्ड रॉस, लेवरन, रॉबर्ट कोच, लुईस पाश्चर। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, लुई पाश्चर। टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
तंत्रिका तंत्र, आंत, श्वास नली, फेफड़े। ये आज आपका रोग वाले जो चैप्टर्स है ना उससे है ये पूरा, फूड एंड डिजीज। एक फूड चैप्टर है, एक डिजीज चैप्टर, वो मैंने ज्यादा इंक्लूड किया आज यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती है, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, उपर्युक्त सभी। 8th क्लास के सिलेबस में है आपका सूक्ष्म जीव। करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। मनुष्य का औसत जीवन काल कितना होता है, मनुष्य का, कछुए का, मेढक का, कुछ पर्टिकुलर जानवरों का और मनुष्यों का जरूर आपको याद रखना है। सो सही उत्तर हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए 66 वर्ष औसत जीवन काल। अतिसार रोग जो घरेलू ब्लैंक द्वारा प्रसारित होता है और जिससे ब्लैंक में घाव हो जाता है, बच्चों में अधिक होता है। अब आपको बताना है किसके द्वारा फैलता है और किस में घाव होता है। मक्खी और आंत, मक्खी फेफड़े, मक्खी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, मच्छर और श्वास नली। तो सही आंसर आपका हो जाता है 264 के लिए ऑप्शन नंबर ए मक्खी आंत, यानी मक्खी द्वारा प्रसारित होता है और आंतों में घाव हो जाता है। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति ब्लैंक और ब्लैंक रंग में अंतर को नहीं पहचान पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बीमारी से, कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, इस बीमारी से जो ग्रसित होता है कौन कौन से रंग में अंतर नहीं कर पाता। तो सही उत्तर आपका हो जाता है लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पहचान पाता। निम्न में से किस रोग के बारे में माना जाता है कि उसकी शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई थी। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है इसका आंसर भी आप लोग सही बताएंगे। चलिए फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए आंसर। ओके, तो ये रोग है जिसके बारे में ऐसा माना कि सबसे पहले ये रोग किसको हुआ था, महारानी विक्टोरिया, या फिर और लोगों को हुआ होगा लेकिन जो जानकारी में जो सामने आया केस ये महारानी विक्टोरिया का आया, लोगों को इसके बारे में जानकारी इनसे मिली। तो वो रोग है आपका हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया याद रखना है। सोडा की बोतलें किससे बनती हैं, पॉलीमर वाले चैप्टर में ही है आपका ये, पॉलीथिलीन, टेरेफॉथलेट, पॉलिएस्टर, पॉलिस्टरीन, पॉलिस्टरीन बूटाडाइन। ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, मतलब मैंने पॉलीमर का एक चैप्टर पढ़ाया है और एक वीडियो दिया है और अभी दो वीडियो और देनी है जिसमें ये कवर होंगे। चलिए कल परसों तक आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। बेल नोटिफिकेशन प्लीज़ एक बार सब लोग चेक कर लीजिएगा, ऑन कर दीजिए अगर नहीं ऑन है तो, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं। देख लेते हैं यहाँ पे इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीथिलीन टेरेफॉथलेट, इससे सोडा की बोतलें बनती हैं। निम्न में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। अब जैसे ऊपर आपने पढ़ा था कि जल में घुलनशील, तो अब जो बची वही सारी अब किसमें है, वसा में घुलनशील होती हैं। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी ADEK, और जो आपका बचा बी और सी वो क्या है, जल में घुलनशील है। मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं। सबसे छोटी हड्डी की बात नहीं हो रही है, सबसे पतली हड्डी की बात हो रही है। करेक्ट उत्तर आपका हो जाता है यहाँ पे, सही उत्तर हो जाता है फिबुला हड्डी। और मुझे लगता है ये सबने सही किया होगा क्योंकि मैंने हिंट किया था और सबको पता है कि स्टेपीज तो सबसे छोटी हड्डी है ना, सबसे पतली हड्डी कैटेगरी में नहीं आती। विटामिन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर आप कोड बताइए। विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। विटामिन मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी या एक और दो, दोनों जो है वो आपके सही आंसर है। तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने आपके सही हुए हैं और लाइक ज़रूर करिए। जितने लोग देखिए ज्वाइन किए हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं, आप ज्वाइन प्लीज़ किया है आपने तो एक बार लाइक कर दीजिए। एंड जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो कर ही देते हैं, न्यू व्यूअर्स करते हैं, शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि किसी भी तरह का टेट या एग्ज़ाम या टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो उसका सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे इजीली मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।